अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये ट्वीट है जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर का। दुनिया में कोरोना और प्रदेश में कोरोना के साथ ही राजनीति का सियासी पारा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल कमिश्नर से अभद्रता के मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेयर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया है। सौम्या गुर्जर पर कमिश्नर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। मेयर सौम्या गुर्जर के साथ ही पार्षदों पर भी मेयर की मौजूदगी और सहमति से कमिश्नर के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा था, जिसको लेकर तीन पार्षदों पारस जैन, अजय चौहान और शंकर शर्मा को निलंबित किया गया है। मेयर और कमिश्नर के बीच विवाद की कथित घटना शुक्रवार को हुई, जब आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव घर घर कूड़ा उठाने वाली लगी कंपनी से जुड़े एक मामले पर बैठक में भाग लेने के लिए मेयर के कक्ष में गए थे। बैठक के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है इसी बीच पार्षदों ने कमिश्नर के साथ कथित तौर पर मारपीट और गाली गलौज की। सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा, इतिहास गवाह है, देश में जून के महीने में ही आपातकाल लगाया गया था और कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था। जयपुर के महापौर और पार्षदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजस्थान में कांग्रेस के पतन का कारण होगा। बीजेपी हर तरफ से न्याय की लड़ाई लड़ेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच के बाद निलंबन का फैसला लिया गया। राजस्थान सरकार ने मामले की न्यायिक जांच कराने का भी फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि मेयर के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और ये देखते हुए कि वे मेयर पद पर रहते हुए न्यायिक जांच को प्रभावित करने की पूरी संभावना है, इसीलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।